आप सबों को नमस्कार। मैं हूं अमृत राज और स्वागत है आपका एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। फिजिक्स की परीक्षा 2023 की एनुअल परीक्षा बिहार बोर्ड की हो चुकी है। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने फिजिक्स की परीक्षा में धमाका मचाया है, धमाल मचाया है। मुझे बहुत सारे बच्चों के फीडबैक मैसेज और आए हुए हैं कॉल कि सर बहुत बढ़िया रहा, बहुत शानदार रहा। तो एग्जामिनेशन के एनालिसिस के साथ साथ कि किस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव, कितना शॉर्ट और कितना लॉन्ग पूछा गया है, टोटल कितने मार्क्स का पूछा गया है, इन सारी चीजों के साथ साथ आपको सारे क्वेश्चन का मैं आंसर की बताने वाला हूं, सारे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन और आंसर की बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा एग्जाम का सारा कुछ मिल जाएगा। आप एक बार वीडियो को देख लेंगे, आपका पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा एग्जाम का, फिजिक्स के एग्जाम का आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो जो लोग नए हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से 2023 के फिजिक्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो एनालिसिस में सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है फिजिक्स का, और मैं आपके सामने अमृत सर हूँ, और ये देखिए आपके चैप्टर्स हैं, और इन चैप्टर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस चैप्टर से। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव टोटल 17 क्वेश्चन पूछा है। देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा मार्किंग वाला जो होता है वो है ये कि 17 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा है, 2 शॉर्ट पूछा है, 1 लॉन्ग पूछा है, कुल मिला के इस चैप्टर से 26 नंबर आए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 ऑब्जेक्टिव है, काफी कम इस बार रहा, शॉर्ट 1 है और लॉन्ग 1 है, कुल मिलाकर के 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से 6 ऑब्जेक्टिव, 5 शॉर्ट और लॉन्ग इससे एक भी नहीं पूछा, कुल मिलाकर 16 नंबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी एसी चैप्टर से 7 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, कुल मिलाकर 14 नंबर। वैसे ही फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, चूंकि छोटा चैप्टर ही है ये, तो 4 केवल ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ना तो शॉर्ट पूछा है ना ही लॉन्ग पूछा है, तो कुल मिलाकर 4 नंबर हुआ। ऑप्टिक्स, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूं कि सबसे ज्यादा अगर मार्क्स पूछता है तो वो ऑप्टिक्स से है, और इसका जलवा अभी भी कायम है। आप देख सकते हैं 16 ऑब्जेक्टिव पूछा है, 4 शॉर्ट पूछा है और 2 लॉन्ग पूछा है, कुल मिलाकर 34 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स से पूछा हुआ है। इसके बाद आप ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को देखें, 2 ऑब्जेक्टिव है, 1 शॉर्ट है और लॉन्ग एक भी नहीं पूछा इससे, तो कुल 4 नंबर। और एटम एंड न्यूक्लियाई को देखें तो 5 ऑब्जेक्टिव, 3 शॉर्ट, लॉन्ग एक भी नहीं पूछा है, 11 नंबर का। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देखें तो 7 ऑब्जेक्टिव है, 2 शॉर्ट है और इस बार इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है और कुल 16 नंबर। और कम्युनिकेशन सिस्टम को देखें तो 2 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट और एक भी लॉन्ग नहीं है, तो कुल मिलाकर के 4 नंबर। वैसे भी कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में तो पहले भी बताए हुए हैं हम कि चैप्टर को सीबीएसई हटा दिया है, बिहार बोर्ड कुछ बोला नहीं, लेकिन क्वेश्चन दे देता है, 2 शॉर्ट है, 1 शॉर्ट है और 2 ऑब्जेक्टिव है, कुल मिला के 4 नंबर पूछा है। इस तरीके से कुल 70 ऑब्जेक्टिव टोटल, ये हो गया आपका 20, यहाँ 0 और छूट गया है, ये 20 शॉर्ट और लॉन्ग आपको 6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और इस तरह से कुल 140 नंबर के लिए डबल क्वेश्चन चूंकि पूछना था इस साल भी, तो 140 नंबर का ये पूरा हो गया आपका क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। अब आते हैं इसके बाद इसमें और देखते हैं हम लोग इसमें बारी बारी से हर चैप्टर में सारे क्वेश्चन को देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तो बाकी आप फ्रंट पेज आप जानते ही हो बिहार बोर्ड का, बाकी सारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, वो तो आपने पढ़ा भी होगा और जानकारी भी सबको होगी कि क्या क्या करना है। तो इंस्ट्रक्शंस के बाद अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पे, शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है, इसके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में होगी। तो आप जानते हो कि अगर हम लोग को फोकस दूरी निकालना है समतुलित, तो 1/f के लिए 1/f1 + 1/f2 लिखते हैं, रखते हैं यहाँ पर 1/, और देखना 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है तो 1/40 हो जाएगा, प्लस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है तो 1/-20 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो 1/40 और माइनस कर लेंगे 1/20, आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो और चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा कितना 20-40 और डिवाइडेड बाई 40 × 20, ऐसे कर लेंगे। अगले पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, यहां से मिल जाएगा आपको -20 और डिवाइडेड बाई नीचे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 40 × 20, कैंसिल कर लीजिएगा तो 1/f के लिए आपको मिल रहा है यहां से 1/f के लिए, और ये है -1/40। अब अगर पावर निकालना है तो आप जानते हो 100 / f होता है, तो रख देते हैं 100
और डिवाइडेड बाई 1/f का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में, और यहाँ 40 हो जाएगा, कैंसिल कर लीजिए तो हो जाएगा 2.5, और हम लोग को मिल जाएगा -2.5 डायोप्टर। तो आंसर इसका आपको मिल जाएगा -2.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर में दिया हुआ है कि व्यतिकरण की घटना का कारण है। एक बात नोटिस करिएगा कि मेरे पास जो आया हुआ सेट है वो सेट आई है। अगर आपके पास कोई डिफरेंट सेट है तो क्वेश्चन नंबर आपको डिफरेंट मिल जाएगा। हाँ, इसका आंसर आपको सेम ही मिलेगा, क्वेश्चन आपको सेम ही मिलेगा, नंबर उल्टा पुलटा हो जाता है सेट में, तो आप अपने सेट के अनुसार इसको जरूर मिला लीजिएगा। अब देखिएगा, यहाँ व्यतिकरण की घटना का कारण कौन सा होता है, तो आप जानते हो कलांतर होता है, कि समान कला में मिलता है तो संपोषी, विपरीत कला में मिलता है तो विनाशी, और इस कारण से प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, और इसीलिए हम लोग इसको कलांतर के कारण होता हुआ देखते हैं। पढ़ते हैं आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश में हो गया कि द रीजन फॉर फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस इज, तो क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है क्वेश्चन नंबर थ्री नंबर में है, ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है, मतलब विच इज यूज टू प्रोड्यूस पोलराइज लाइट। सब लोग जानते हैं निकोल प्रिज्म का यूज करते हैं ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप अपने सेट का आंसर जरूर देख लीजिएगा कौन सा सेट है, यहाँ सेट आई है, ये दिया हुआ है, पूछ रहा है किसका प्रतीक है, तो देखिए भाई यहाँ पर एक लाइन थोड़ा ऐसे भी होना चाहिए था, पता नहीं बिहार बोर्ड क्या सोच करके इसको लाइन गायब कर दिया है ये, क्योंकि टर्मिनल यहाँ होना चाहिए था। तो ये जो प्रतीक है वो डायोड का है, आप लोग जानते होंगे ये डायोड का सिंबल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है, प्रवर्धन गुणांक को अगर हम लिखते हैं तो आप जानते होंगे कि ये होता है चेंज इन करंट बेस और कलेक्टर के लिए, तो हम लोग प्रवर्धन गुणांक में करेंट्स का रेशियो देखते हैं, तो करेंट्स का रेशियो देखते हैं तो इस कारण से सर कोई इकाई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यही दिया हुआ कि यूनिट ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर, तो क्या होगा, नो यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक सत्य द्वार है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो जानते हो कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट उसको कहते हैं जिससे कि सभी प्राइमरी लॉजिक गेट्स को हम फॉर्म कर सकते हैं, तो एंड गेट, ऑर गेट, नॉर गेट जो तीन प्राइमरी है उसको हम नैंड गेट के हेल्प से हम तीनों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूएचएफ, यूएचएफ आवृत्ति की तरंगे प्रायः कैसे संचरित होती है, मतलब वेव्स ऑफ यूएचएफ फ्रीक्वेंसी आर जनरली ट्रांसमिटेड एज, कैसे होती है, तो ये अंतरिक्ष वेव से किया जाता है, इसको हम लोग स्पेस वेव से करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, कि 6 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, इसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है, इसके द्वारा प्राप्त की गई न्यूनतम और अधिकतम धारिता का मान कितना कितना होता है ये आपको बताना है। देखो न्यूनतम अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई, चूंकि हम करते अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो हमको सबसे न्यूनतम मिलता है किस स्थिति में, तो ये मिलता है सीरीज टाइप में और ये होता है C/N, और अधिकतम मिलता है पैरेलल टाइप में, ये होता है N × C। तो रखो मान को सी दिया हुआ 6 और बाई 3 संधारित्र है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड, और अधिकतम लिखते हैं तो ये 3 और मल्टीप्लाइड बाई 6 बराबर कितना हो जाएगा 18 माइक्रोफेराड, तो राइट आंसर 2 और 18 न्यूनतम अधिकतम, तो 2 और 18 हमको सी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो इंग्लिश में ही हो गया, अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई इज इक्वल टू 60 × sin 100 πt में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा, अंग्रेजी में है द रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ इक्वेशन आई इज इक्वल टू 60 sin 100 πt इज। देखना इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन जो है सही है ही नहीं, असल में क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये गलत है। क्यों गलत है, आप जानते हो कि IRMS जो होता है वो होता है I0 और डिवाइडेड बाई √2। आप देख रहे हो यहाँ कि I0 जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 60, तो 60 दिया हुआ है तो 60/√2 होना चाहिए ना, तो यहाँ आप देख लो कहीं कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, है ही नहीं कोई ऑप्शन ही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन ही आपका जो प्रिंट किया हुआ है गलत है, या आप अगर मानो तो टाइपिंग मिस्टेक है, हो सकता है यहाँ 60/√2 करना होता, अगर ऐसा करता 60/√2 तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो सकता था, लेकिन जो दिया हुआ है उसके अनुसार ये क्वेश्चन ही गलत है, जो ये ऑप्शन है उसके अनुसार ये क्वेश्चन गलत है, और हो सकता है गलती हो सकती है बोर्ड से भी, इसलिए ये आप मान के चलिए कि यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मॉडल पेपर में भी देखे होंगे, 3-4 क्वेश्चन में इरर था, मैंने बताया था आपको, मॉडल पेपर देखे होंगे। तो एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, बड़ा आसान सा है ये, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो राइट आंसर उसका क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये हो गया था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में है ये, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप इज मेड डबल एंड द करंट इज मेड हाफ देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विज। तो मैग्नेटिक मोमेंट को अगर लिखते हैं हम लोग कैपिटल एम से, तो होता है क्या, आई इंटू ए। अब देखो यहाँ आई तो आई रहेगा, ए के मान को लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, ये हो गया एम के लिए। अगली बार एम डैश लिखते हैं, जो जो कह रहा है वो कर देते हैं। कह रहा है कि इसमें धारावाही धारा त्रिज्या दुगनी करना है और धारा आधी करना, धारा को कर देते हैं आई बाई टू और त्रिज्या पाई को पाई रहने देते हैं, इसको कर देते हैं आर बाई टू का स्क्वायर, आधी कर देते हैं त्रिज्या को। अब करते हैं, नहीं त्रिज्या को दुगना करने कह रहा है, त्रिज्या को हम दुगना कर लेते हैं तो हो जाएगा टू आर स्क्वायर, टू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर करते हैं इसको तो देखना ये हो जाएगा आई बाई टू पाई और यहाँ होगा फोर आर स्क्वायर, इसको कैंसिल कर लेते हैं तो टू, यानी कि हम लोग को मिल जाएगा टू इंटू आई पाई आर स्क्वायर ऐसा। अब देख लो अगर देखे तो टू, और ये पूरा हम लोग सीखे हुए हैं कि होता है m, तो अगर हम m डैश के वैल्यू को लिखते हैं तो 2m मिलता है, यानी कि m का डबल ऑप्शन नंबर कहां मिल रहा है, b में मिल रहा है। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर b हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक चोक कुंडली का 100 प्रेरकत्व 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2 एम्पियर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, चोक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। देखो हेनरी दिया हुआ है, इसका 100 प्रेरकत्व मतलब एल का वैल्यू दिया हुआ है 5 हेनरी, उसका इससे बहती धारा का जो मान दिया हुआ है वो है 2 एम्पियर, इससे बहती धारा 2 एम्पियर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब डी आई बाई डी टी का जो मान दिया हुआ है ये दिया हुआ है 2 एम्पियर पर सेकंड। तो पूछ रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान कितना होगा, तो आप जानते हो ई के लिए फॉर्मूला लिखते हैं माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, मान रख देते हैं माइनस एल का मान 5 गुने डी आई बाई डी टी का मान 2, तो कर लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 10 वोल्ट। तो ई का वैल्यू माइनस 10 वोल्ट आ रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा, सी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, याद किए होंगे, ये याद करने वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कौन सा होता है, तो ये होता है 8.0 × 10²² जूल पर टेस्ला, याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ कितना होता है, तो 8.0 × 10²² जूल पर टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ अवेलेबल ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, बताया हुआ बहुत बार है ये कि विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंग जो है वो साथ साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं, दोनों के बीच का कोण भले ही 90 डिग्री होता है लेकिन दोनों का वाइब्रेशन साथ साथ होता है, इस कारण से इनके बीच का कोण शून्य होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 25 का द्विध आधारी समतुल्य है, तो 25 को अगर आप करके देखो तो देखो ऐसा है कि ये 25 है और इसको हम करने का प्रयास करते हैं, हमेशा 2 से भाग करना होता है, कितना हो जाएगा 12 से 24 हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, फिर दूसरे करते हैं तो 6 यहाँ 0 बच जाएगा, फिर दूसरे करते हैं तो 3 0 बच जाएगा, फिर दूसरे करते हैं तो 1 यहाँ 1 बच जाएगा, तो 1 1 0 0 और 1, और ये हो जाएगा बाइनरी में, कितना कहाँ मिल रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये नहीं कि केवल मैं आंसर बता दे रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन कैसे आया है ये भी आपको पता होना चाहिए, और ताकि आप कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के साथ रहें इसमें। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों से के विवर्तन व्यतिकरण फ्रिंजों और उसके बाद करें कि समान होती है कि समान नहीं होती है, जैसी होती है इनमें से कोई नहीं, भाई साहब ये समान होती है और जैसी होती है क्या होता है, दोनों तो एक ही बात हो गया, लेकिन खैर जो दिया है सो दिया है, समान नहीं होती है ये इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। क्वेश्चन को देखो कैसे सेट किया हुआ है कि बड़ा क्लोज लगता है आंसर दोनों ही सेम ही। आगे बढ़ते हो, इंग्लिश में दिया हुआ कि द विड्थ ऑफ डिफ्रेक्शन फ्रिंजेज इज टू द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज, क्या होगा, इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा कि सिमिलर होगा कि नॉन ऑफ दिस होगा, तो भाई अनइक्वल होता है ये, क्योंकि व्यतिकरण में सेम लेंथ का विड्थ का बनता है ये, जबकि डिफ्रेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट विड्थ का बनता है, इस कारण से अनइक्वल हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, प्रकाश वर्ष के बारे में आप समझते हो, जानते हो, सब लोग का याद किया होगा कि भाई ये दूरी का मात्रक होता है। अब दूरी का मात्रक होता है और हम लोग लिखते हैं इसके लिए मान को, तो 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर होता है प्रकाश वर्ष का मात्रक। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी अमीटर को संट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, इफ एनी अमीटर इज संटेड देन द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो अमीटर को संटित करने का मतलब क्या हुआ कि पैरेलल टाइप में हम स्मॉल रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं, और जब पैरेलल टाइप में स्मॉल रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका रेसिस्टेंस घट जाएगा, तो घट जाएगा डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है। नेक्स्ट 19 नंबर, किसी अर्धचालक का तापमान तापमान गुणांक का मान होता है, तापमान गुणांक का मान अगर अर्धचालक की बात करें तो उसमें ऋणात्मक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देखना दिया हुआ है कि यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्त काल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो इनमें से कौन सा संबंध सही है। देखो भाई आवर्त काल का अगर हमको वेग से संबंध लिखना है तो आवर्त काल कहने का मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय, और अगर हम समय के लिए लिखते हैं तो होता है दूरी बटा चाल या वेग। अब दूरी बटा वेग लिख रहे हैं तो एक चक्कर पूर्ण करने पर जो भी दूरी तय होगा वो तो 2πr होगा, और डिवाइडेड बाई चाल क्या हो जाएगा, चाल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से टी का भी से संबंध लिखेंगे तो कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। सो राइट आंसर हमको ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा इसमें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वैन डी ग्राफ जननित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है, क्या होता है। तो वैन डी ग्राफ जननित्र जो है वो हाई वोल्टेज वाला जननित्र होता है, केवल उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली हाई वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। देखो लैम्डा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए लिखते हैं बिट्टा, और बिट्टा इज इक्वल टू अगर लिखे ये होता है लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। अब पर्दे और स्रोत के बीच की दूरी को हम बढ़ा देंगे तो डी बढ़ेगा, तो डी के साथ बिट्टा समानुपाती है, तो समानुपाती है यानी कि बिट्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, तो डी बढ़ने पर बिट्टा भी बढ़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रेडियो सक्रियता का मात्रक है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, ये सब लोग याद किया होगा, क्यूरी, क्यूरी होता है, वाट जूल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो नहीं है होगा, तो ये सॉरी वाट तो है भी नहीं ऐसे, लेकिन क्यूरी होगा इसका राइट आंसर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एएमयू और जूल तो नहीं होगा, क्यूरी होगा, क्यूरी होता है रेडियो सक्रियता के लिए। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर तो सबसे ज्यादा गामा का होता है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब गामा रेज हो जाएगा। नेक्स्ट टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, भाई सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला में से है, और याद किए होंगे आप 30 से 300 मेगाहर्ज के बीच में हम इसका प्रयोग करते हैं, जो टीवी प्रसारण में प्रयोग में आता है। नेक्स्ट है किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, तो प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो म्यू के टर्म में होता है, तो इस कारण से ये प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है, तो संख्या परिवर्तन यानी नंबर इन्वर्जन या पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है किसको, ध्रुवन को प्रदर्शित करता है, इसलिए यह अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट किसी गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो भाई गोलीय दर्पण को देखो लेंस को जब डुबाते हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाती है 4 गुना, लेकिन दर्पण को डुबाएंगे तो उसके फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए यह समान रहता है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रिमेन सेम। नेक्स्ट पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होता है, तो परावर्तन गुणांक को हम लिखते हैं, जानते हो आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जितना गया उतना पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर जाता है, देयर इज नो लॉस, जब लॉस होगा ही नहीं तो इसका परावर्तन गुणांक का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी 1, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है भाई, तो पार्थिव दूरदर्शी में काल्पनिक बनता है लेकिन उसको सीधा करवा के देखते हैं, तो इस कारण से काल्पनिक और सीधा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट
किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होता है। तो अनुनाद की स्थिति में जो है वो XL XC के बराबर, तो इस कारण से उन दोनों के बीच तो कोई कालांतर रहेगा नहीं, सारा का सारा मतलब जो पूरा का पूरा इम्पीडेंस होता है वो तो R के बराबर हो जाता है, तो दोनों समान कला में चल रही होती है, इस कारण से इसके बीच का कालांतर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली में, अच्छा मैं सही हूँ या कोई पीडीएफ आगे बढ़ गया है, मुझे लग रहा है कि एक पे ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया है, क्या ये हो गया है 32-33, हाँ ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें कि एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। ध्यान रखना, द्वितीय कुंडली में वोल्टता ज्यादा होती है, अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टता ज्यादा होती है, और जब वोल्टता ज्यादा होगी धारा का मान कम हो जाएगा, धारा का मान कम हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन सब देखो कि कितने सिंपल सिंपल है, बस थोड़े से टेक्निकल किए हुए हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं रटे हैं गेस पेपर से या कहीं से भी, अगर रटे हैं तो उनका काम नहीं चल पाया क्योंकि चीजों को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। पढ़े हुए बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, जो जानते हैं कि स्टेप अप में वोल्टेज ज्यादा होता है और वोल्टेज जब बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है, तो ये सब चीजें जो है ध्यान रखने वाली। एक्स किरणें हैं, एक्स किरणें क्या है भाई, तो आप जानते हो विद्युत चुंबक के तरंग में आता है एक्स किरणें, इसलिए हो जाएगा कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सरेज। नेक्स्ट, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है। ध्यान देना यहाँ कि अगर हम माध्यम में प्रकाश के वेग को निकालते हैं, सबसे पहले आप पढ़े हुए कि म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/sin IC, IC का मान 30 डिग्री दिया हुआ है तो 1/ और साइन 30 का मान 1/2, तो ऊपर लाग गुना कर देगा 2 हो जाएगा। अब देखो म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े हुए क्या होता है, तो ये होता है C/V, तो अगर भी चाहिए तो ये सी डिवाइडेड बाई म्यू कर लेंगे, सी तो सब लोग जानते हो 3×10⁸, और डिवाइडेड बाई म्यू का मान कितना 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे इसको तो कितना हो जाएगा 1.5, तो 1.5×10⁸। ऑप्शन नंबर ढूंढो कहाँ है, यहाँ 3 है, 6 है, 4.5, ध्यान देना 1.5×10⁵ दिया हुआ है जो कि गलत है। सही आंसर इसका कितना होगा, 1.5×10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ये ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिल रहा है, चारों में से किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका ये ऑप्शन गलत है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन में गलती था, यहाँ भी गलती है, लेकिन अगर आप नजदीक से मारना चाहो तो देखो 10⁸ अगर यहाँ होता तो ऑप्शन बी होता, नहीं है इसलिए ये क्वेश्चन गलत है, और इसका राइट आंसर 1.5×10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। बिहार बोर्ड के प्रिंटेड क्वेश्चन में ये दूसरी गलती है। आगे बढ़ते हैं, यही चीज दिया हुआ है यहाँ पर भी देखो, इंग्लिश में भी क्वेश्चन ऑप्शन गलत ही दिया हुआ है कि यहाँ पर आंसर कितना आएगा 1.5×10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, तो आप इसमें से किसी को भी ना मार्क करो तो बेटर है, या आप अगर इसमें क्लोज देखो तो यहाँ 10⁸ अगर होता तो हम इसको मार सकते थे, अदरवाइज हमारा होगा ही नहीं, आंसर तो ये है। आगे बढ़ते हैं, प्रावैद्युतांक का SI मात्रक होता है, सब लोग याद किए होंगे कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, कुल आवेश का मान कितना होगा, तो कोई भी संधारित्र को आवेशित करते हैं जितना पॉजिटिव दूसरे प्लेट पर उतना ही नेगेटिव, टोटल जोड़ देंगे तो जीरो, तो इस कारण से शून्य हमको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो इलेक्ट्रॉन की गति समरूप तो नहीं होती है, त्वरित भी नहीं होती है, मंदित भी नहीं होती है, यहाँ लिखा हुआ है अपसरित, अपसरित शब्द सही नहीं है इसमें, अगर हिंदी में लिखना भी था तो ये अपवाह लिखते हैं, अपवाह या अवनमन, अपवाह लिखा जाता है, या अपवाह वेग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ड्रिफ्टिंग टाइप का होता है, या अवनमन भी लिख सकते हैं इसको, तो अवनमन अपवाह या अवनमन होना चाहिए था, अवनमन होना चाहिए था ऑप्शन में, लेकिन पता नहीं क्या सोच करके अपसरित लिखा हुआ है। खैर जो भी है, अंग्रेजी को आप देखो तो वहां ड्रिफ्ट लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो आप यहाँ, तो ड्रिफ्टिंग होता है ये, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी ड्रिफ्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 39, कि वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, तो कितना मान होगा, तो सब लोग जानते हो कि जो कुल फ्लक्स का मान होता है वो आवेश का 1/ε0 टाइम्स, तो यदि 1/ε0 को लिखेंगे कितना हो जाएगा, σε0⁻¹ ना, तो आपको ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, बी में दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गॉस थ्योरम है ये, सिंपल एकदम सिंपल गॉस थ्योरम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रति इकाई आवेश पर
लगने वाले बल को कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो सब लोग जानते हो प्रति इकाई आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट 41, आवेश का परमाणीकरण दर्शाता है। भाई परमाणीकरण जो है असल में है क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण जिसको कहते हैं। तो इसमें दिए हुए ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे तो हिंदी में थोड़ा सा टफ करके ऑप्शन दिया हुआ है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। एक आवेश को नष्ट नहीं किया जाता, ये तो कंजर्वेशन है, ये भी गलत ऑप्शन होगा। यहाँ कणों पर आवेश होता है, ये बात सही है कि होता है, लेकिन कितना होता है ये चीज जो है हम लोग पढ़े हुए हैं क्वांटमीकरण में कि Q is equal to plus minus N into E होता है। मतलब E आवेश का कुछ गुणक होता है और कुछ गुणक होता है तो अगर हम लिखेंगे इंटीग्रल मल्टीपल तो इस कारण से एक कण पर न्यून अनुमेय आवेश होता है, न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में होगा। हिंदी का सेंटेंस समझने में थोड़ा सा समस्या है, आप हिंदी पे इंग्लिश पे आकर के देखो इसका तो बड़ा क्लियरली समझ में आएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अ चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये कंजर्वेशन है तो यहाँ तो नहीं होगा, ये क्वांटाइजेशन हमसे पूछ रहा है। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, बात सही है लेकिन यहाँ एग्जिस्ट करता है तो कुछ भी थोड़ी होता है। यहाँ क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन अ पार्टिकल, मतलब किसी भी बॉडी पर एक न्यूनतम उपस्थित आवेश का कुछ गुणज होता है और जो न्यूनतम उपस्थित आवेश होता है वो क्या होता है, ई इलेक्ट्रॉन पर का आवेश, उसी का एन गुना होता है। इसलिए हम लोग को राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूज करने जैसा है ये, लेकिन राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान देने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है किसकी होती है? तो क्षेत्र की शक्ति की भी होती है, दिशा की भी होती है, भाई आवेश की प्रकृति की भी होती है। तो हम क्या मार लेंगे, ऑप्शन नंबर डी मार देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्शन नेचर ऑफ चार्ज। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निकेल, बिहार बोर्ड का बहुत फेवरेट वाला क्वेश्चन है कि निकेल कैसा होता है, सब लोग याद किए होंगे कि लौह चुंबकीय होता है, फेरोमैग्नेटिक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन में है, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है? चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, दिक्पात। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिक्पात यानी डिक्लिनेशन। नेक्स्ट है, एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन तो लगता है कि कितनी बार से पूछा हुआ है ये, अगर हम लोग फोकल लेंथ को लिखते हैं तो 1/f इज इक्वल टू लिखते हैं म्यू माइनस 1 और इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब रखते हैं यहां मान को तो 1.5 माइनस 1 हो जाएगा और 1/r1, r1 चूंकि पॉजिटिव लेंगे इस तरह से लेते हैं तो इस सतह को हम लोग लेते हैं इस तरफ तो पॉजिटिव r1 और इसको अपोजिट ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव r2। तो इस कारण से यहां 1/r1 मतलब 20 और माइनस माइनस प्लस 1/20 हो जाएगा। यहां सॉल्व अगर कर लें इसको तो ये हो जाएगा 0.5 और इनटू 2 डिवाइडेड बाय 20। तो अगर हम यहाँ से डिवाइड करने के लिए पॉइंट हटाते तो बाई 10 हो जाएगा, 5 टू जा 10 कैंसिल कर लेते हैं, मिल जाता है 1/f के लिए, यहाँ मिलता है 1/20। सो f के लिए लिखेंगे तो 20 मिलेगा। अब देख लो यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इस कारण से ये भी हम लोग को आएगा सेंटीमीटर में। ऑप्शन में 22 है, मीटर भी है सेंटीमीटर भी है, तो राइट आंसर हम लोग को ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर मिल जाएगा इसमें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी, वेग की, ऊर्जा की, संवेग की, कोणीय संवेग। देखो अगर हम तरंग दैर्ध्य को लिखते हैं और हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का तो क्या हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाई एम भी हो जाएगा, और अगर तरंग दैर्ध्य लिखते हैं हम फोटोन का तो एच डिवाइडेड बाई एम सी हो जाएगा। अगर ध्यान दो तो इसमें तो एच एच दोनों में कॉमन है ही, तो इसको तो हम लोग मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी को संवेग कहते हैं पी, यहाँ पर भी मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी को क्या कहते हैं, संवेग पी। तो एज तो कांस्टेंट है ही, अगर लैम्डा सेम है तो एज तो कांस्टेंट सेम रहेगा ही, मतलब कौन सेम होगा तो पी सेम होगा यानी संवेग सेम होगा। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोमेंटम इज द राइट आंसर, मोमेंटम सही हो जाएगा कि कौन सा सेम होगा तो मोमेंटम सेम हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूक्लियर नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है, मंदक का काम क्या होता है, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, पी
प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, पी प्रकार के अर्धचालक में क्या प्रयोग करेंगे? तो पी प्रकार वाले में हम क्या करेंगे, तो वो हो जाएगा ट्राइवेलेंट। और ट्राइवेलेंट कौन सा इसमें से है? तो बिस्मथ तो पेंटावेलेंट है, फास्फोरस भी पेंटावेलेंट, आर्सेनिक भी पेंटावेलेंट है, तो कौन मिलेगा? बोरॉन। तो राइट आंसर हम लोग को 48 नंबर का क्वेश्चन, 48 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर 48 का कौन सा हो गया, ये ए हो जाएगा, 48 के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 49, डायोड का उपयोग किया जाता है, डायोड किस लिए प्रयोग करते हैं? तो ये हम प्रयोग करते हैं दिष्टकारी के लिए, यानी रेक्टिफायर के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिष्टकारी के लिए। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? तो हम कहते हैं कुलम्ब का नियम, यानी कुलम्ब लॉ। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुलम्ब का नियम। नेक्स्ट 51, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। देखो अगर फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, तो बिंदु आवेश के लिए भी के लिए लिखते हैं, तो फॉर्मूला होता है 1/4 πε0 और q डिवाइडेड बाई, तो भी का रिलेशन अगर लिखते हैं तो 1/r होता है, और 1/r होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा r के विद्युत क्रमानुपाती होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, इसमें कि किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच का संबंध क्या होता है? याद किए होंगे फॉर्मूला कि संवहन वेग और अगर विद्युत क्षेत्र में लिखते हैं तो VD इज इक्वल टू स्मॉल E कैपिटल E टाउ डिवाइडेड बाय M। तो अगर संबंध देखें तो क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा, तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। 64 बूंद, यार ये क्वेश्चन तो पता नहीं क्यों बिहार बोर्ड का इतना फेवरेट है कि अधिकांश बार के एग्जाम में ये पूछा हुआ है, और अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो ध्यान रखना कैपेसिटेंस ऑफ, कह रहा है क्वेश्चन क्या कि 64 बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो बड़े बूंद की धारिता को CB लिखते हैं, तो फॉर्मूला होता है N^3 और मल्टीप्लाइड बाई CS। अब N का मान देखो 64 दिया हुआ है, तो 64^3 हो जाएगा 1/3 और इंटू CS, CS का मान हो जाएगा कितना, 5। अब करते हैं इसको, देखो 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब रूट, मतलब क्यूब 4 × 4 × 4, तो यहाँ कर लेते हैं 4^3 और यहाँ पावर दिया हुआ है 1/3 और इंटू यहाँ हो जाएगा 5, ये कैंसिल हो जाएगा, 4^1 यानी 4 और इंटू 5 इक्वल टू कितना, 20। ऐसे इस क्वेश्चन के लिए सेम डेटा सेम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स बोर्ड ने रिपीट किया है, तो आप इसको याद कर लेना कि जब 64 बूंद कहे और प्रत्येक की धारिता कहे कि 5 माइक्रोफेराड है, तो राइट आंसर इसका 20 माइक्रोफेराड हो जाएगा। ताकि आप सॉल्यूशन भी याद रख सकते हो, इसमें अगर डेटा डिफर किया तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? देखो क्वेश्चन कैसे बिहार बोर्ड सेट करता है, मतलब बच्चा को कंफ्यूज ही करना है इसको कुछ कुछ क्वेश्चन में, कि विभवमापी से हम धारा भी माप सकते हैं, हम आंसर सही मार्क नहीं कर रहे हैं लेकिन धारा भी माप सकते हैं, प्रतिरोध भी माप सकते हैं, विभवांतर भी माप सकते हैं, तो इनमें से सभी राइट आंसर होना चाहिए। इस हिसाब से लोग मारेंगे भी इसको, इनमें से सभी, कि करंट भी मेजर कर सकते हैं हम, रेसिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं, तो इस हिसाब से ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। लेकिन यहां कह रहा है मेनली मेजर्ड, बात को समझना कि मुख्यतः कह रहा है, एकदम बड़ा स्पेसिफिक करके लिख रहा है, तो जब मुख्यतः कहेगा तो उस केस में जो है हम लोग केवल और केवल पोटेंशियल डिफरेंस मारेंगे यानी विभवांतर मारेंगे। मापा तो तीनों जा सकता है लेकिन मुख्यतः पूछ रहा है, तो मुख्यतः के लिए हम लोग क्या मापेंगे, तो विभवांतर मुख्यतः मापते हैं। वैसे इसके हेल्प से हम इंटरनल रेसिस्टेंस को भी मापते हैं सेलों के, हम लोग करंट का भी मेजरमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन मुख्य रूप से हम किसको, तो विभवांतर को मापते हैं। अगर मुख्यतः वर्ड यहां ना रहता तो फिर ऑल ऑफ एबव होता, ऑल ऑफ दिस होता, यहां के लिए सी होगा। नेक्स्ट 55 नंबर, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखो है तो होता क्या है कि ये डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर पे, कि चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं कि अपोजिट नेचर के हैं, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि घट सकती है या बढ़ सकती है, वो चार्जेस के नेचर पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर होगा क्या, मे इंक्रीज और डिक्रीज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है बोर्ड में। नेक्स्ट, दो प्रतिरोध आर एवं टू आर को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, आर था टू आर में उत्पन्न उसमें ऊर्जा का अनुपात, तो देखो उसमें ऊर्जा का अनुपात है, हमने सीरीज टाइप में अगर दोनों को जोड़ा है तो सीरीज टाइप में जोड़ने पर क्या होगा, ये आर है और ये टू आर है, आप जानते हो सीरीज टाइप में सब में से करंट सेम, तो करंट सब में सेम रहेगा। अब करंट और रेसिस्टेंस के टर्म में अगर हम प्रोड्यूस्ड हीट को लिखे, उत्पन्न हीट को लिखे, तो एच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर
और आरटी होता है, तो अगर हम फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे तो एच वन हो जाएगा और सेकंड वाले के लिए एच टू, तो देखो यहाँ भी आई स्क्वायर आर के बदले कितना हो जाएगा टू आर और इंटू टी हो जाएगा। रेशियो कर लेते हैं इसके लिए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और तब पूछ रहा है कि आर तथा टू आर में, तो आर में ये है टू आर में ये है, दोनों का रेशियो कर लो तो क्या हो जाएगा, ये गया ये गया ये गया, तो कितना मिलेगा वन इज टू टू, तो वन इज टू टू ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन इज टू टू। अब आगे क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, दिया हुआ है इसमें एक रेडियो समस्थानिक 210 BI की अर्ध आयु 5 दिन है, 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिक का अविघटित अंश कितना होगा। देखो सिंपल सा है ये, अगर मान लो एक लिए है, एक भाग हमने लिया है, एक लिया है पूरा, तो 5 दिन के बाद कितना हो जाएगा आधा, अगले 5 दिन के बाद कितना हो जाएगा, तो आधा का भी आधा यानी 1/4, अगले 5 दिन बाद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8, 1/4 का भी आधा हो जाएगा, और अगले 5 दिन बाद कितना हो जाएगा, तो बचने वाला कितना भाग होगा, तो ये हो जाएगा 1/16, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1/16। नेक्स्ट इसका 1/16 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 58 में, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप या क्रम में होता है। अंग्रेजी समझना है यहाँ, हिंदी और इंग्लिश का बड़ा एक डिफरेंस है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इज इन द ऑर्डर ऑफ। देखो इन द ऑर्डर ऑफ कहने का मतलब कि कोटि का होता है, तो यहाँ क्रम या रूप नहीं होना चाहिए था, यहाँ कोटि लिखा हुआ होना चाहिए था कि कोटि में होता है, तो ताकि हम तुलना कर सके इसमें। तो एक तो पहले ये इरर है हिंदी का, छोटा सा इरर है। अब आगे सुनो क्वेश्चन कैसा किया हुआ है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को हम लें तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल दोनों का अनुपात लिखते हैं तो 10^42 होता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को लें तब इसके लिए 10^39 होता है, और अगर हम दो प्रोटॉन्स को लें तो 10^36 होता है, यानी कि 1 नहीं होता है किसी स्थिति में। तो अब आप देख लो कि यहां अगर क्लियरली लिखा होता कि दो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन या दो प्रोटॉन्स, तो आंसर मार्क करना बहुत ज्यादा आसान होता, लेकिन ये लिखा ही नहीं क्लियरली, मतलब फंसाने वाला क्वेश्चन है ये, और क्लियर नहीं होने का मतलब आपको तीनों ऑप्शन यहां सही मिल रहे हैं, कोई भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से ज्यादा सही चुनना होगा तो आप मार्क करेंगे 10^36 को, क्योंकि बहुत सारे जगह पर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले गुरुत्वीय बल, या कह लो सबसे कम वाला जो अनुपात है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल और अभिलंब और विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल के बीच का अनुपात अगर लिखेंगे, ये 10^36 के ऑर्डर का होता है कि कोटि का होता है। तो इसका राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी मार्क करेंगे। वैसे ये तीनों भी सही है, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहता तो 10^42 होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता 10^39 होता, और दो प्रोटॉन के बीच 10^36 होता है। पढ़ते हैं आगे इसमें, इसका सी मार्क करिएगा। नेक्स्ट, दो आवेश क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश स्मॉल क्यू रखा जाए तो आवेश के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए क्यू का मान होगा। संतुलन के लिए क्यू का मान कितना होगा, तो आप सॉल्व कर सकते हो कि एक आवेश क्यू है, दूसरा आवेश क्यू है, इसके बीच में एक स्मॉल क्यू हम रख रहे हैं। जब स्मॉल क्यू रख रहे हैं तो आप इस पर लगने वाले बलों के लिए जब आप करिएगा तुलना की साम्यावस्था की स्थिति है या संतुलन की स्थिति है, तो उस केस में हम लोग बल को जीरो लेंगे, और तब आप सॉल्व करके निकालिएगा Q^4 होगा, माइनस साइन के साथ होगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Q^4 माइनस Q^4 Q/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई के बीच का कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे। तो स्थिर साम्यावस्था की स्थिति के लिए हमको क्या ध्यान रखना है कि वो समांतर होना चाहिए, और तब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जीरो हो जाएगा, मतलब ऑप्शन एंगल जीरो हो जाएगा। अगर इसी में पूछता अस्थिर साम्यावस्था, देख लो आप स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछ रहा है तो इसमें पैरेलल होगा, और पैरेलल के लिए एंगल आप जानते हो कि जीरो होगा। अगर इसी को अस्थिर साम्यावस्था कहता, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो वो एंटी पैरेलल होता, और एंटी पैरेलल के लिए एंगल 180, उसके लिए हम पाई मार्क करते, ध्यान देना ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है, कौन सी भौतिक राशि सदिश है ये आपको बताना है। तो देखो विद्युत फ्लक्स तो अदिश होता है, द्वितीय विभव भी अदिश होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी अदिश होता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये होगा सदिश इसमें। नेक्स्ट,
दो तरंगों वाई वन इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी और वाई टू इज इक्वल टू 3 कॉस ओमेगा टी के से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान होता है। तो देखो यहाँ एक में दिया हुआ है साइन, एक में दिया हुआ है कॉस, तो कॉस दिया हुआ उसको अगर हम साइन फंक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, यानी दोनों के लिए आप करोगे तो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस, अगर पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को यहाँ दोनों के बीच का अगर आयाम निकालना है परिणामी मान, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब करते हैं तो अंडर रूट यहाँ 16 और प्लस 9 यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, और आप जानते हो अंडर रूट 25 का मान कितना होगा 5, 5 आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। अगर दोनों में साइन साइन होता तो 4 3 7 हो जाता, लेकिन यहाँ एक साइन है और एक कॉस है तो पाई बाई टू का एंगल है, इस कारण से यहाँ इस तरीके से सॉल्व होकर के 5 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, परिणालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, परिणालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र अगर लिखेंगे तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट होता है, इसलिए राइट आंसर हम लोग को बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न करता है होता है, कुंडली का स्वप्रेरण प्रेरकत्व है, स्वप्रेरकत्व का मान निकालना है आपको। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले कि आपको यहां दिया हुआ 0.1 सेकंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर, तो अगर हम di बाई dt को लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एम्पियर से 2 एम्पियर यानी कि 2 - 5 बटा समय लग रहा है 0.1, सॉल्व कर लिए तो -3 और बटा 0.1 यानी कितना हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर 0 आ जाएगा यानी कि -30 और ये हो जाएगा एम्पियर पर सेकेंड। उसके बाद उत्पन्न वोल्टेज का मान दिया हुआ है 50 वोल्ट, तो L का मान आपसे पूछ रहा है, तो चूंकि E इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े हुए हैं -L इंटू di बाई dt वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर से, तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू -L और इंटू di बाई dt का -30, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो लाके डिवाइड कर दो तो L इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 50 / 30, 0 0 कैंसिल, 5/3 मतलब 1 पॉइंट और कितना 666 यानी 1.67 हेनरी ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो मेरा काम ये नहीं है कि आपको केवल टिक करवा देना कि इसका ये हो जाएगा उसका वो हो जाएगा उसका वो हो जाएगा, वैसे वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, लेकिन जब कोई आंसर मार्क कर रहे हैं तो उसमें से कौन सा सही है और क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए, तब आप बेटर क्लियर कर पाओगे। ऐसे वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी लेकर के जरूर रखना, वो भी आपको काम आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा सब लोग जानते हो हाइगेंस के द्वारा दी गई थी, तो हाइगेंस प्रिंसिपल में है ये, सो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइगेंस। नेक्स्ट, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत धारा स्वतंत्र है, मतलब किससे स्वतंत्र होता है फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, तो देखो प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होती है आवृत्ति से, एक बात ध्यान रखना कि न्यूनतम आवृत्ति जिससे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रारंभ होता है उसको कहते हैं देहली आवृत्ति, और देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति हो गया तो उस पर विद्युत धारा फिर निर्भर नहीं करता है, इस कारण से ये स्वतंत्र किससे होगी, ताप्य प्रकाश की आवृत्ति से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 67 दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग धैर्य होता है, जानते हो सबसे अधिक तरंग धैर्य लाल रंग का होता है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, देखते ही एकदम दिल खुश हो गया कि बस बस ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए हमको, तो वही क्वेश्चन देखो दिया हुआ सबसे अधिक तरंग धैर्य किसका, लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसका बना होता है, तो परमाणु का नाभिक सब लोग जानते हो किससे, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट फिर है, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है, तो धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर पूछ रहा है केवल संधारित्र वाले में, केवल धारिता वाले में, तो केवल प्योर यह हो जाएगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आप जानते हो वोल्टेज और करंट के बीच का जो कालांतर होता है वो 90 डिग्री होता है, दोनों लंबवत होते हैं एक दूसरे के, तो इस कारण से राइट आंसर क्या हो जाएगा और 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर, यह है लास्ट क्वेश्चन आपका, कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग धैर्य न्यूनतम है, आप जानते हो कि जिसका आवृत्ति सबसे अधिक उसका तरंग धैर्य सबसे कम होता है, और गामा किरण की सबसे अधिक आवृत्ति होती है तो तरंग धैर्य सबसे कम हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये थे
आपके टोटल 70 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए थे। आशा करता हूं कि अधिक से अधिक आपका सही हुआ हो इसमें, और कितना सही हुआ ये आप हमको जरूर बताना कमेंट करके वीडियो में। एक बात और ध्यान रखना कि आप चेक कैसे करोगे अपना, तो जो भी शुरुआत से आप 35 क्वेश्चन मार्क किए हो, चाहे सही मार्क किए हो या गलत मार्क किए हो, वो सारे 35 क्वेश्चन ही काउंट होंगे। उससे ज्यादा अगर आपने मार्क किया है तो वो काउंटिंग में आएगा ही नहीं। तो शुरुआत से जो जो आपने मार्क किया है, जो छोड़ा है वो नहीं, जो जो मार्क किया है वो 35 क्वेश्चन आप देखना और उसमें से आप चेक कर लेना कौन कौन सा सही हुआ है। कमेंट करके हमको जरूर बताना कि 35 में से कितना ला रहे हो आप। तो आज के इस सेशन में इसको इतना ही रहने देते हैं, और आप इसमें जानते हो ऑब्जेक्टिव के बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। चूंकि काफी लंबा ये वीडियो हो गया है, तो अगर शॉर्ट और लॉन्ग की आपको जरूरत होगी तो आप हमको कमेंट करके बताना, हम इसके लिए भी डिटेल सॉल्यूशन आपको ला करके देंगे इसी चैनल पे। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी आने वाले भाई बहन हैं उन सबको भी जरूर इसका लिंक भेजना और सब्सक्राइब करवा लेना, ताकि आने वाले टाइम में उसको भी बहुत सारे हेल्प, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारा सॉल्यूशन, बहुत सारा आंसर की उपलब्ध करवा सके। मिलते हैं अगले किसी सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव क्लास, एंड हाँ, आपके रिजल्ट के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपका रिजल्ट बहुत शानदार हो। अब एक बार एग्जाम देने से पहले हम बिलीव करते हैं मेहनत पे, कि आपको जम के मेहनत करना है एग्जाम के टाइम तक, इवन एग्जाम में भी आपको जम के मेहनत करना है, और जब एग्जाम हो जाए तो हम निर्भर करते हैं लक पे। तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, कि आप बढ़िया परफॉर्म करें। इस रिजल्ट के बाद भी आपको बहुत सारे एग्जाम देने हैं, उसकी भी तैयारी में आपको जल्दी ही लग जाना है। बाकी और शेष बचे हुए एग्जाम के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, जीवन के आने वाले जीवन के सभी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। जीवन में हर वो उच्चतम मुकाम तक अपने आप को आप जरूर पहुंचाएं जिसके लायक और काबिल आप हैं, और अगर नहीं है तो अपने आप को काबिल बनाएं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।